नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर तक साधेगी सटीक निशाना, यूएस इसराइल को होगा खतरा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान में लागू आर्टिकल 245 को बताया अघोषित मार्शल लॉ, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। नए संसद भवन के विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तोड़ी चुप्पी, कहा सरकार ने बनाया है तो सरकार ही करे उद्घाटन। बता दे कि कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन के निर्माण को लेकर अब तक विरोध करती आ रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की गई है मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, दिल्ली से देहरादून के लिए रिमोट से किया उद्घाटन, जहां दिल्ली से देहरादून का सफर 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन में तमिलनाडु के 20 धर्माध्यक्ष होंगे शामिल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल सीआर गोपालचारी के प्रपोत्र सीआर केसवन ने नए संसद भवन में ऐतिहासिक सेंगोल स्थापित करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति ही इस तरह की महत्वपूर्ण घटना को इतिहास में उचित स्थान देते हैं। बता दें कि सेंगोल को भारतीय राजदंड के रूप में माना जाता है, जो तमिलनाडु की जनता ने आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री को दिया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है और हमारी टीम देश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर बनाकर उसे आपके सामने लाती है। इसलिए प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हो सके तो शेयर जरूर करें। इंडिगो की फ्लाइट से टकराया पंछी, बाल बाल बची मंगलुरु से दुबई जा रही 160 यात्रियों की जान। बता दे कि मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर दुबई जा रहे इंडिगो का एक विमान पंछी से टकरा गया, जिसके बाद इस उड़ान को रद्द कर दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े भोपाल टेरर फंडिंग मामले में उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर छापेमारी की, जहां एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 6 बांग्लादेशी नागरिक हैं। ये सभी लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर आए हैं और भारत में अपने सहयोगियों की मदद से जाली पहचान पत्र भी बनवा लिए हैं। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी प्रवीण सूद ने सीबीआई डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला, सुबोध कुमार जायसवाल के रिटायरमेंट के बाद ही संभाला ड्यूटी। धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने और धीमी आवाज में बजाने के प्रमाण के कुछ महीने बीतने के बाद फिर से लगाए जा रहे लाउडस्पीकर पर योगी सरकार की अचानक नजर पड़ गई, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया और कहा कि इन लाउडस्पीकर को तुरंत हटाओ। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संसद भवन के इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, हम इतिहास बदलने के भागीदार नहीं बनेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विशेष रूप से नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ा रही है। आयोजन स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और बहुस्तरीय सुरक्षा चौकियां भी बनाई जाएगी। बता दें कि नए संसद भवन का 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। लुधियाना से श्री मुक्तसर साहिब जा रही पंजाब रोडवेज की बस रास्ते में पलटी, 25 लोग हुए घायल। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी हरियाणा इकाई का गठन किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पत्रकार अनुराग डांडा को प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक तपर को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का पद दिया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह को नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। झारखंड के चाईबासा में जंगल में फिर आईडी विस्फोट होने की खबर है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से भी की मुलाकात। इंदौर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे बांटने की घटना को पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटी हिमाचल की सुक्खू सरकार, सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों में किया बदलाव।
जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से दिल्ली जा रही एक बस लखनपुर के पास खड़े ट्रॉले से जा टकराई। इस घटना में बस में सवार करीब 11 यात्री घायल हो गए हैं। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, बंगाल को अफगानिस्तान बनाना चाहती है तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी। राज्य भर में बम और बंदूकों का हो रहा है खेल। महाराष्ट्र के हिंगोली में दो ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर, 150 भेड़ों समेत 4 लोगों की गई जान। गुजरात माध्यमिक बोर्ड ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजकोट के रहने वाले रुद्रगामी ने टॉप किया। रुद्रगामी किसान के बेटे हैं, जिन्होंने 99.9% हासिल कर पहली रैंक प्राप्त की। राजस्थान में 12वीं के 8 संकाय का रिजल्ट जारी होते ही एक छात्रा का मार्कशीट वायरल हो रहा है। दरअसल मार्कशीट में छात्रा का नाम A1 कुमारी लिखा है और छात्रा A1 कुमारी ने 12वीं की परीक्षा में A ग्रेड हासिल किया है। गर्मी में चेहरे पर निखार लाने के लिए अनानास से बने फेस पैक का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीज, तांबा, पोटेशियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के साथ चेहरे के त्वचा को हमेशा जवान बनाए रखने में मदद करता है। बिहार में अनुदेशक के 2404 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 14 जून तक BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे रिक्वेस्ट के बाद आप में से कई लोगों ने अब तक इस वीडियो पर कमेंट किया है और लाइक किया है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कुछ लोग अभी भी बाकी है, इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो एक शेयर जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।